नमस्कार दोस्तों, मैं पापिया लोकल टीवी पर एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ लेकर 5 जनवरी 2022 की देश भर की कुछ खास खबरें। सबसे पहले जान लेते हैं कि राजनीति की दुनिया में कैसी खलबली मची हुई है। खजीमा में विजय संकल्प यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब पेट्रोल डीजल इस्तेमाल नहीं होगा, किसान के बनाए हुए इथेनॉल पर हमारी बस चलेगी, कार चलेगी, ट्रक चलेगी और गन्ने को उसका भाव मिलेगा, वरना गन्ने की हालत खराब है। उत्तराखंड के विकास को डबल इंजन की सरकार देनी होगी। सच में दोस्तों, नए युग में नए तरीके की भी जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा एक कदम होता है। वैसे भी पेट्रोल और डीजल के दाम अपने चरम सीमा पर है। चलते हैं दूसरी खबर की ओर। विधानसभा में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारा विचार है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु कोविड या दूसरी दुर्घटना के कारण होती है तो उसके परिवार के सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए, पर ये अधिकार हमसे छीना गया है। अमित शाह और एलजी अनिल बैजल से कहो कि हमें हमारा अधिकार दे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में आज लगभग 5,500 मरीज पॉजिटिव आने की उम्मीद है और पॉजिटिविटी रेट लगभग 8.5% होगा। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और भला हो उनका जिनके साथ उन्होंने कुछ दिन पहले रैली में भाग लिया था। बढ़ते हैं इसी बात पर चौथे खबर की ओर। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। कल 15 से 18 आयु वर्ष के 3 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। राजस्थान में 90% से ज्यादा लोगों को कोरोना की पहली डोज और लगभग 80% लोगों को कोरोना की दूसरी डोज लगाई गई है। वैसे डोज तो भारी मात्रा में लग रही है। आशा करते हैं कि 100% वैक्सीनेशन पूरे भारत में जल्दी से हो जाए। और अब है राजनीति की दुनिया की ये आखिरी खबर, जो है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में भगवान कृष्ण की एंट्री हुई है। दरअसल अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भगवान कृष्ण रोज उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और वही राम राज्य भी लाएगी। सोमवार को लखनऊ में पार्टी दफ्तर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण रोज उनके सपने में आते हैं। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने एक पत्र लिखकर योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ने की मांग की है और कहा है कि ये भगवान कृष्ण की प्रेरणा से वो खत लिख रहे हैं। जब ये सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया तो हल्के फुल्के अंदाज में अखिलेश यादव ने भी ये कह डाला कि मेरे सपने में भी भगवान कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है जो राम राज्य लाएगी। राजनीति की दुनिया से निकल कर चलिए अब आम जनता के कुछ खास खबरों के बारे में जानते हैं, जो है काम की खबरें। सबसे पहली खबर है फोन रिचार्ज पर। फोन रिचार्ज इतना महंगा होने के बाद रिलायंस जियो की तरफ से एक खास ऑफर पेश किया गया है, जिसके तहत 2,545 रुपए वाले सालाना प्लान प्रीपेड प्लान में 29 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मुफ्त में ऑफर की जा रही है। इसके लिए ग्राहकों को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। हालांकि ये एक लिमिटेड ऑफर है जो कि 7 जनवरी तक जारी रहेगा। मुकेश अंबानी एंड टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की तरफ से एनुअल प्लान पर न्यू ईयर ऑफर निकाला गया था जो कि 2 जनवरी 2022 तक के लिए था, जिसे बढ़ाकर 7 जनवरी 2022 कर दिया गया है। ये ऑफर जियो की वेबसाइट और माई जियो ऐप पर उपलब्ध है। अब काम के खबरों में सबसे जरूरी दूसरी खबर, वो है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा और उत्तर प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए अपडेट। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा यानी प्रधान परीक्षा 2021 का आयोजन 7 जनवरी से 16 जनवरी 2022 तक 3-3 घंटे की 2 पारियों में आयोजित किए जाने की समय सारिणी जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में DAF भरे उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं। अब जबकि यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम 2021 का आयोजन इस शुक्रवार से होने जा रहा है, तो परीक्षा की तैयारी में जुटे उम्मीदवार आयोग से परीक्षा के फिलहाल स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। उम्मीदवार देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे ओमिक्रॉन के संक्रमण के मामलों के मद्देनजर
सोशल मीडिया के माध्यम से डिमांड कर रहे हैं कि परीक्षा का आयोजन टाल दिया जाए। अब देखते हैं कि आगे का निर्णय क्या होगा। क्या आपने अभी तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया? तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2022 तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर को अपने आधार कार्ड नंबर से जोड़ने को कहा गया है। अगर इस दिन तक पैन कार्ड आधार से नहीं जुड़ा तो वो अमान्य हो जाएगा। साथ ही इसके बाद आपको पैन आधार को जोड़ने के लिए 1,000 रुपए का शुल्क भी लगेगा। आपको बता दें कि सरकार पहले ही आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ा चुकी है और मौजूदा समय में इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। काम की खबरों में सबसे आखिरी खबर है ओमिक्रॉन वेरिएंट की। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए देश के कई राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि किन प्रदेशों में कब तक स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में 3 जनवरी से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा में 12 जनवरी तक बंद रहेगा स्कूल। महाराष्ट्र में 31 जनवरी तक। तेलंगाना में 8 से 16 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। वहीं झारखंड में 15 जनवरी तक और बंगाल में भी स्कूल बंद रहेंगे। आगे भी स्कूल बंद रहने की संभावना है। सूचना सरकार के निर्णय पर निर्भर करती है। कोविड के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की मार हर जगह देखने को मिल रही है। इससे मनोरंजन जगत भी अछूता नहीं रहा। एक के बाद एक फिल्में पोस्टपोन हो रहे हैं। फिल्म मेकर करण जौहर की महत्वाकांक्षी फिल्म तख्त को कोविड के चलते पोस्टपोन कर दिया गया था। अनिल कपूर, करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, विकी कौशल, भूमि पेडनेकर और जानवी कपूर स्टारर इस जबरदस्त एक्शन से लैस फिल्म को पोस्टपोन किए जाने के बाद करण जौहर ने फिल्म रॉकी और रानी का अनाउंसमेंट किया। इस फिल्म पर काम चल रहा है और इसी बीच करण जौहर ने अपने निर्देशन में बनने जा रही एक और फिल्म का अनाउंसमेंट भी किया है। रोमांटिक फिल्में बनाने के लिए मशहूर करण जौहर ने एक जबरदस्त एक्शन और लव स्टोरी फिल्म का फैसला लिया। अब देखने वाली बात यह है कि इस कोविड के बीच फिल्में धमाल कर पाती हैं या नहीं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज की रिलीज पोस्टपोन किए जाने की खबर भी सामने आई है। चंद्र प्रकाश त्रिवेदी के निर्देशन में बनी ये फिल्म 21 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही थी। कहा जा रहा था कि मेकर्स ने दिल्ली, मुंबई समेत देश भर में कोविड और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है। मालूम हो कि दिल्ली में सिनेमाघर पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं और मुंबई में इन्हें आधी क्षमता के साथ चलाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं खेल की खबरों की ओर। आईपीएल 2022 में दो नई टीमें खेलती हुई नजर आएंगी, जिसमें से एक लखनऊ है तो दूसरी अहमदाबाद की टीम है। अहमदाबाद ने अपनी टीम को बिल्ड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा इस नई फ्रेंचाइजी के हेड कोच आईपीएल 2022 के लिए होंगे। इसके अलावा विक्रम सोलंकी इस टीम के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनने की लाइन में है। इनके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व वर्ल्ड कप विनर कोच गैरी कर्स्टन टीम के मेंटर होंगे। आशीष नेहरा इससे पहले आरसीबी के कोच रह चुके हैं। बढ़ते हैं दूसरे और आखिरी खबर की ओर। भारत और साउथ अफ्रीका के दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर पहली पारी में अपने बल्ले से निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद भी इस पारी में अपने गेंद से उन्होंने कमाल कर दिया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पहली पारी में साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय टीम पर पूरी तरह से हावी हो रही है, लेकिन शार्दुल ने अपने घातक गेंदबाजी के दम पर टीम की वापसी करवा दी। यही नहीं, उन्होंने प्रोटियास के खिलाफ पहली पारी में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी कर डाला। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में भी उनका बेस्ट प्रदर्शन साबित हुआ। इसके अलावा भारत की तरफ से साउथ अफ्रीका की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में ये किसी भी भारतीय गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साबित हुआ। साउथ अफ्रीका में शार्दुल ठाकुर ने अपनी गेंदबाजी के जरिए इतिहास रच दिया। वो भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका की धरती पर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज बने और हरभजन सिंह का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हरभजन सिंह ने साल 2010-11 में केप टाउन में 120 रन देकर 7 विकेट लिए थे, लेकिन अब शार्दुल ने इस मैच में 61 रन देकर 7 विकेट लेकर उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और पहले नंबर पर आ गए हैं। तो देश भर की खबरें आज बस यही तक। लोकल टीवी पर मैं पापिया एक बार फिर से हाजिर हो जाऊंगी लेकर कुछ और नई खबरें। तब तक के लिए अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके सुझाव के इंतजार में हम रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं
कल कुछ और नए खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।